एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे, उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती थी। वही वो दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वो उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वो उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षाटन करने आ जाता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है, सेठ और उसकी पत्नी उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। वो दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवा कर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए कहती है। सेठ बाहर चला जाता है, यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे तीन बेटे। ये सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। ये सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वो फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वो सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए वो निकलते हैं। सेठ सन्यासी से कहता है कि वो उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था, तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपका जो तीन पुत्र है, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। ये सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। ये सुन सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि ये कह क्या रहा है, सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। सन्यासी जानकर सेठ का उत्तर जानने के लिए ये बात करता है। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपए का ही मालिक हूँ। ये सुन सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी, कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुन सन्यासी को लगता है ये तो सेठ एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगता है। लेकिन ये हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं? ये सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सुन सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा, वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग है। ये सुन सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके तीन पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक है, और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपए के ही मालिक है। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी तो आप
50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं। यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। ये सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? ये सुन सेठ कहता है कि ये सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा 1 ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो कुसंग में रहता है वो मेरा अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी 1 ही संतान है। आपकी दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मैं मदद कर देता हूँ, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगी संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूँ। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु ये बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? ये सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वो कहते हैं कि क्षमा करें मुझे, पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले, सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था, तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं, क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावरस व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं, और ये तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुन व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता है क्यों? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते, वो उसे देख समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए है। पिता ने कई बार पुत्र से ये पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ, और वो वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को ये विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है, जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पा लें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारे उन्नति के बीच एक वादा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, ये सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सून पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पहुँच पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है, ये मेरे पिता के पिता के पिता यानी कि
तीन पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर न जाने आज तक कितने पेड़ भी टूट कर गिर गए हैं, बिजली गिर गई है, लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। तब पिता आगे उससे कहते हैं कि यहाँ मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूँ। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और कहता है कि ये पेड़ के पीछे दिमक देख रहे हो। पुत्र कहता है कि हाँ। पिता कहते हैं कि इसी दिमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ पूरी तरह ये खराब हो गया है। ये सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा। पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों। तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी तूफान बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दिमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रहा, तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी, इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं, चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो, हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमजोर करते हैं, हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए, और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। ये चिंता कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यदि इस चिंता में आप घिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। ये समय भी कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। महात्मा की बात सुन व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है और वो गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। अतः चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियाँ, सुख समृद्धि छीन लेती है, इसलिए व्यर्थ में इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को चिंता मुक्त रखें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा